अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लिख दिया, अब इसे संभाल के रखना। अब मासी के दिल और घर का पता दोनों है आपके पास। हैप्पी। माँ आप भी प्रॉमिस करो कि मेरे पास जल्दी वापस आ जाओगी। माँ प्रॉमिस करो ना। नंदिश देखो मासी तो यही रहती है आपके पास आपके दिल में, और आप कहाँ रहते हो? मासी के दिल में। तो मैं कहीं नहीं जाती, आप मेरे दिल में तब से रहते हो जब मैंने पहली बार आपको गोदी में लिया था, जब आपके ये क्यूट क्यूट छोटे छोटे हाथों से आपने मेरा हाथ पकड़ा था, और जब आपको बहुत भूख लगी थी ना तो मासी को ऐसे देख के रोए थे, तब से आप हमेशा मेरे पास ही रहते हो बच्चू। और आपको जब भी मासी की याद आएगी तब मुझे वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? ओके माँ, मैं वही करूँगा जो आपने बोला है, ताकि आप खुश हो जाओ और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आप आओगी ना माँ? कल ही बात हुई थी ना, फिर अचानक मैत्री ने जाने का मन क्यों बना लिया? अरे कुसुम, अचानक कोनो बात नहीं है, एक ना एक दिन तो उसको जाना ही था। राजी खुशी चली जाए उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ जाना था, सही बात है, मगर ऐसे अचानक क्यों? पर मैत्री ने अब मन बना लिया जाने का, उसे कोई नहीं रोकेगा। आप सब लोग इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? मैत्री ने फिर से जाने का मन बना लिया, और आशीष कह रहा है कि अब वो रोकने से भी नहीं रुकने वाली। पापा, मुझे लगता है मैत्री अपने लाइफ के बारे में सोच रही है, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती होगी। 6 साल सेक्रीफाइस किए उसने अपनी लाइफ आप सबके लिए, स्पेशली मेरे लिए। कितना कुछ किया उसने, पर है तो वो एक लड़की ही ना, उसके भी सपने होंगे, कुछ शौक होंगे जो वो पूरे करना चाहती होगी, तो हमें करने देना चाहिए, है ना? वैसे भी कब तक हमारे घर में रहेगी ऐसे, उसे भी लग रहा होगा। करेक्ट, नंदिनी सही कह रही है। पिछले 6 सालों से मैं इस घर में नंदिश की मासी बनकर रह रही थी, ताकि नंदिनी की एब्सेंस में उस नन्ही सी जान को मां की कमी महसूस ना हो। पर अब नंदिनी आ गई है वापस, मेरा मकसद इस घर में रहने का पूरा हो चुका है। अब वो वक्त आ गया है कि मैं नंदिश को, आप सबको, इस घर को छोड़ के खुद पे, अपनी लाइफ पे फोकस करूं। मुझे इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैत्री, जब कोई घर से विदा होता है ना तो पुराने कच्चे चिट्ठे ना ही खोलते बेटा। तुमने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, तूने हम सबके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, ये बात हम कभी नहीं भूल सकते।
पिछले 6 सालों में आपको सुनना जितना कठिन था ना, समझना उतना ही आसान था सोना आंटी। जैसे सूरज होता है ना, कभी कभी उसकी धूप से हम तिल मिला जाते हैं, पर वही है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, जिंदगी देता है। और आप सोना आंटी, आप इस घर की, इस परिवार की सूरज है। मैत्री बेटा, तेरे बिना नंदिश को संभाल पाना नामुमकिन था बेटा। तेरी कद से बड़ा तेरा किरदार है। भगवान तुझे मनचाही खुशियां दे बेटा। आंटी, खुशियां तो मिल जाती हैं, पर उन्हें बांटने के लिए लोग नहीं मिलते। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी खुशियां बांटने के लिए आप मेरे साथ रहें हमेशा। खुश रहे। कहीं मैत्री फिर से बेचारी बन के घर में रुक ना जाए, नहीं तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।